नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम सिलाई पार्ट टू वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग को सिलाई का यह वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारा ये कटिंग का वीडियो देखना है तो हमारा ये कटिंग पार्ट वन वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके हम आई बटन में इसका जो कटिंग वाला वीडियो है वो डाल देंगे, आप उसमें से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने टक्स लगाया है, इस टक्स पे हमें सिलाई करना है। इसे हम थोड़ा डार्क कर देंगे कि हमारा ये जो दूसरा जो अस्तर है इसमें ये निशान आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इसमें सिलाई लगाना है। हमने इसे डार्क कर दिया है। अब हम इसे इस तरह से हाथों से थपथपा देंगे कि हमारा ये जो निशान है नीचे की तरफ देखिए आ गया है। तो हम इसे भी डार्क करेंगे। हमने दोनों अस्तर वाले पे निशान लगा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, हम इसे पहले चारों तरफ से पक्का करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे चारों तरफ से ज्वाइंट कर दिया है साड़ी वाले कपड़े पे। तो अब हमें इसमें जो निशान लगाए थे उस पर सिलाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें एक टक्स में सिलाई लगा दिया। अब हम इसमें लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें जो टक्स लगाया था, हमारा टक्स जो है कितना अच्छे से बैठ गया है। देखिए, ये ब्लैक कपड़ा है इसमें, इसलिए मालूम भी नहीं पड़ रहा है। देखिए, ये हमारा पहला टक्स है, ये हमारा दूसरा टक्स है, और ये हमारा तीसरा। अब हमें जो ये हमारा साड़ी का कपड़ा है, वेस्टेज कपड़ा, इसे हम कटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो कपड़ा है उसे छांट के निकाल दिया। अब हम नीचे बेल्ट का जो कपड़ा है उसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो ऊपर वाला भाग है इसे हम इस तरह से नीचे वाले भाग के साथ रखेंगे, और इसे इस तरह से इस तरफ रख के इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, हमें इस तरह से कपड़े को पकड़ लेना है और सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें ये जो हमारा भाग है इसे हमने ज्वाइंट कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से कपड़े को नीचे की तरफ मोड़ के और इसके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम काट के निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा अस्तर का कपड़ा है इसमें हम ये जो साड़ी वाला कपड़ा है इस तरह से मोड़ते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें कपड़े को इस तरह से मोड़ कर सिलाई लगा दिया। ये हमारा एक भाग जो है रेडी हो गया है। इसी तरह हम दूसरा भाग भी रेडी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने जैसे ये एक पार्ट बनाया था, इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी बनाना है। हमने देखिए इसमें जो हाई बनाते हैं उसकी पट्टी लगा दी है। हमने यह वीडियो में नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने एक ब्लाउज का वीडियो डाला है आई बटन में, आप उसमें जाके मतलब जो ये हाई का पट्टी है और हुक का पट्टी है कैसे बनाते हैं उसमें देख लीजिएगा। इसी तरह हमने ये दूसरा पार्ट भी तैयार कर दिया है, और इसमें भी हमने हाई की पट्टी देखिए अटैच कर दी है। तो ये हमारा जो फ्रंट का दोनों भाग जो है तैयार हो गया है। अब हम जो बैक पार्ट है हमारा उसे भी देखेंगे कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बैक पार्ट जो है हमारा इसे भी अस्तर वाले कपड़े पे रख के हमने इसे अटैच कर दिया है। तो हमने इसे भी नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हमारा जो ये कैसे हमने अटैच किया है इसका वीडियो हम एक ब्लाउज का वीडियो डाल दिए हैं आई बटन में, आप उसमें जाके देख लीजिएगा।
तो देखिए हमने इसे चारों तरफ से सिलाई कर दिया है और यहाँ पे इसे इस तरह से जैसे हमने उसमें मोड़ा हुआ था उस तरह से हमने इसमें फोल्ड करके सिलाई कर दिया है। अब हम इसमें टक्स का निशान लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये कटिंग के टाइम में इसमें टक्स का निशान लगाया था, तो देखिए आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा हल्का। तो अब हम इसे इस तरह से पकड़ के सिलाई लगा देंगे ऐसे। देखिए हमने इस तरह से इसे पकड़ लिया है कपड़े को इस तरह से। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरे में भी लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये टक्स का निशान लगा दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये फ्रंट पार्ट है, इसे हम बैक वाले पार्ट पे रखेंगे इस तरह से। और अब हम इसे शोल्डर को जो अस्तर का कपड़ा है इस साइड से सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइंट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये शोल्डर को ज्वाइंट कर दिया दोनों को। देखिए हमारा शोल्डर जो है ज्वाइंट हो गया दोनों। अब हम इसमें स्लीव लगाएंगे। तो देखिए ये स्लीव का कपड़ा है, ये साड़ी अस्तर वाला कपड़ा है, ये साड़ी वाला कपड़ा। अब हम इसमें सीधा सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये स्लीव को सिल दिया है। इसी तरह हमें दूसरा भी बना लेना है। तो देखिए हमने ये दूसरा भी स्लीव सिल लिया है। अब हम इसे लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो स्लीव काटा था और इसे, देखिए फ्रेंड्स ये जो स्लीव है इसे हम इस तरह से, जो हमारा ये हमारा गले वाला भाग है, ये हमारा शोल्डर वाला भाग है अंदर के साइड वाला, तो हम इसमें जो है ये बाहीं जो है लगा देंगे। तो हमें इस तरह से बाहीं इसमें लगाना है। तो देखिए हम इसे इस तरह से ऊपर इस पे रखेंगे और रखने के बाद में इसमें सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इसमें स्लीव भी अटैच कर दिया। जैसे हमने इसमें स्लीव अटैच किया, इसी तरह हमें दूसरे साइड भी अटैच करना है स्लीव को। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस साइड भी स्लीव को अटैच कर दिया। हम इस तरह से अपने स्लीव को देखिए बराबर की तरह करके इस तरह पकड़ेंगे और इसमें सीधा एक सिलाई लगाएंगे सीधा करके। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने इस साइड में इसे पैक कर दिया है, इसी तरह हम दूसरे साइड भी पैक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दोनों साइड में पैक कर दिया सिलाई से। अब हम अंदर के साइड में इस तरह से उल्टा करेंगे। अब हम इसे अपना जो ब्लाउज वाला पीस है, जिस ब्लाउज से हम मतलब नाप रहे हैं, उस ब्लाउज से हम अपना बाहीं जो है फिटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये फिटिंग आएगा, हमने यहाँ पे इसे निशान लगा दिया है। तो इसी तरह हमें दूसरे साइड भी कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लाउज जो है सिलने के बाद ऐसा हो गया है। अब हम इसका जो गला है उसमें पाइपिंग नहीं बनाएंगे हम, इसमें इस तरह से अंदर की तरफ में कपड़ा को मतलब, देखिए हमने ये कपड़ा काटा है, इस कपड़े को हम बाहर के साइड से सिलाई करके अंदर के साइड मोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें ये जो है अंदर की तरफ में इसे कपड़ा लगा दिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और अब इस साइड में अंदर के साइड में तुरपाई कर देंगे। तो तुरपाई करके आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें तुरपाई कर दिया है अंदर की साइड में।
हमारा ब्लाउज जो है बन के पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो आप लोग को यह ब्लाउज वाला वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको दूसरा वीडियो बना के दिखाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।